नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। कर्नाटक एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को भेजा समन, पेश न होने पर घोषित करेगी भगोड़ा। दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल, बच्चों को भेजा गया घर, परीक्षाएं भी की गई रद्द। निराधार और भ्रामक है राहुल गांधी का बयान, राष्ट्रपति को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाने के आरोप पर बोले चंपतराय। देवरिया में पुजारी की पीट पीट कर हत्या से मची सनसनी, छावी में तब्दील हुआ गांव, इस बात को लेकर हुआ था विवाद। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द होंगे जारी, cbse.gov.in पर करें जांच। T20 विश्व कप के लिए टी नटराजन को नजरअंदाज किए जाने पर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। मुंबई स्टूडेंट ने अपनी टीचर को कह दिया क्रिमिनल, इंग्लिश के पेपर में सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़कर हो जाएंगे हैरान। उनके कारण फ्रेंचाइजी को भी मैच गंवाने पड़े, T20 वर्ल्ड कप की टीम में दिग्गज खिलाड़ी को नहीं मिली जगह, सुनील गावस्कर ने बता दिया कारण। कर्नाटक, बेंगलुरु के व्यवसायी की पत्नी और 11 वर्षीय बेटा बने जैन भिक्षु, परिवार खुश और गौरवान्वित। कोरोना के दौरान लगी कोविडशील्ड पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा कोविड में किसी माँ ने बेटा, किसी ने खोया पिता पति। चीन ने कोविड-19 वायरस के सीक्वेंस डिकोड करने वाले वैज्ञानिक के सामने टेक दिए घुटने, साइंटिस्ट को लैब में वापस जाने की दी अनुमति। कानपुर, जमीन के विवाद में बुजुर्ग किसान को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, भाई भतीजों ने पार की हैवानियत की हदें। चार देशों का हो चुका है T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड, 16 देशों का आना है अभी बाकी। थोड़ा दुख हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की मायूसी साफ नजर आई, लखनऊ की जीत के बावजूद भी खुश नहीं दिखे केएल राहुल। सीज फायर पहल के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, इसराइल राफा हर हाल में घुसेगा, चाहे बंधकों को छुड़ाने की डील हो या ना। T20 वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप में सबके होश उड़ाएगा अफगानिस्तान, राशिद की कप्तानी में ऐसी दिखती है। अनुष्का शर्मा आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, पति को जन्मदिन की बधाई देने मुंबई पहुंचे विराट कोहली। जिम्बाब्वे की जिग बनी दुनिया की सबसे नई मुद्रा, आर्थिक संकट दूर करने का सरकार ने खोजा उपाय। एक बार फिर फैंस को धुआंधार एक्शन का डोज देते दिखेंगे 62 साल के सुनील शेट्टी, बर्फीली पहाड़ियों से वायरल हुआ एक्टर का लुक। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखेंगे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।